हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौरिकांत साहू और आज हम बात करेंगे क्या आप एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर बन सकते हो, इंडिया को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप बैडमिंटन खेलना चालू करोगे एट द एज ऑफ 14, 15, 16 या इसके पहले। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल का एनालिटिक्स देख रहा था तो उसमें मान लो कि 100 लोग हमारी वीडियो को देखने आ रहे तो 100 में से खाली 10 लोग सब्सक्राइब करते, बाकी 90 लोग नहीं करते। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप उससे कुछ सीखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। हमें से बहुत लोग दिन रात यही सोचते हैं हमें बैडमिंटन खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है एंड ऑल। तो सबसे पहली चीज आपको एक्शन लेना है क्योंकि अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते तो जो फ्यूचर में जो चांसेस है वो और ज्यादा कम हो जाएंगे, जिससे आपको और रिग्रेट होगा जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो एक्शन क्या लेना है, सबसे पहले आपको एक अच्छी बैडमिंटन एकेडमी ज्वाइन करना है जहां आपको पूरा बेसिक से सिखाए, साथ ही साथ वहां अच्छे बैडमिंटन प्लेयर होने चाहिए जिससे आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मिलेगा, साथ ही साथ आप उनको देख के भी बहुत कुछ सीखोगे। सो गाइस, मुझे बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे घर पे सपोर्ट नहीं कर रहे बैडमिंटन को लेके एंड ऑल। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में दो लोग हैं जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, सबसे पहले आप अपना खुद, दूसरा आपके पेरेंट्स। अगर वो नहीं बोल रहे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है और रीज़न भी बहुत बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, उनके पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके स्पोर्ट्स के, ठीक है, या आपके पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके आपने अभी तक क्या किया है उसके हिसाब से वो डिसीजन ले रहे हैं, या बैडमिंटन में कंपटीशन बढ़ गया है, या फाइनेंशियली, तो बहुत सारे डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को भरोसा दिला सकते हो, कॉन्फिडेंस दिला सकते हो कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा करूंगा एंड स्पोर्ट्स में भी दोनों को अच्छे से मैनेज करके चलूंगा। तो गाइस, ये था एक पहलू और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो आपको आपके पास्ट के एक्सपीरियंस है एंड जो घर का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। एक और चीज़, अगर आपको बैडमिंटन में अच्छा करना है तो अगर आप एक दो साल खेलोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 4-6-8 साल खेलोगे तो एक अच्छे लेवल पे पहुंचोगे। क्योंकि क्या होता है, एक स्ट्रोक जैसे लाइक क्लियर टॉस ही हो गया, उसको परफेक्शन लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइक उसको डिफरेंट एंगल से मारना रहता है, डिफरेंट पोजीशन से और शटल की स्पीड रहती है, तो उसको परफेक्शन लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आपके साथ एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है जब आप एक अच्छी बैडमिंटन एकेडमी ज्वाइन करोगे तो वहाँ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बैडमिंटन प्लेयर होंगे, आपकी एज के, आपकी कम की एज के भी। तो अगर आप सोचोगे 2-3 महीना मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके उनको हरा दूंगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो कि आपकी एज 15 है और एक और बैडमिंटन प्लेयर है उसकी एज 13 है और वो पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर आप सोच रहे हो 2-3 महीने में इसको हरा दूंगा तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसकी 4 साल की प्रैक्टिस और आपकी 2-3 महीने की प्रैक्टिस आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो शुरू में अगर आप अपने जूनियर प्लेयर से हारते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, डीमोटिवेट होते हो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है प्रैक्टिस करने में, तो आपको ये सब को हटा के आपको अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना है। साथ ही साथ आपको टूर्नामेंट खेलना चालू करना है जब आप थोड़ा अच्छा खेलना चालू कर दो। मान लो कि अगर आपकी एज 15 है तो आप ऑलरेडी मिस कर चुके हो अंडर 11, अंडर 13 एंड अंडर 15 कैटेगरी, तो आपके पास बचा है अंडर 17, 19 एंड सीनियर कैटेगरी। तो आप अगर टूर्नामेंट खेलना चालू करते हो तो आपको पता लगेगा कंपटीशन के बारे में, आप कौन से लेवल पे स्टैंड करते हो एंड आपको कितनी मेहनत और करनी है। तो स्टार्ट प्लेइंग योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टूर्नामेंट फर्स्ट, अगर उसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो BI के जो रैंकिंग टूर्नामेंट से वो खेलना चालू करेंगे। सो आपको अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, जो ट्रेनिंग करना है उसे अच्छे से करना है, कोई भी सेशन को मिस नहीं करना है, यू हैव टू डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क एंड आपका मेंटल ट्रेनिंग एंड टफनेस भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। आपको कम से कम मिनिमम 2 सेशन एक दिन में करना है और कभी कभार 3, तो ये डिपेंड करता है आपके कोच के ऊपर एंड आपकी इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर। अगर आप बैडमिंटन को लेके कंफ्यूज हो कि मुझे खेलना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको एक बेसिक सा सजेशन दूंगा, आपको क्या करना है, 2-3 महीने के लिए एक प्रोफेशनल बैडमिंटन एकेडमी ज्वाइन करना है। ज्वाइन करोगे तो उससे आपको पता लगेगा, नए नए एक्सपीरियंस होगा बैडमिंटन से रिलेटेड, जैसे कि ये सब मैं ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं, आने वाले समय में ये सब प्लेयरों को बीट कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं अपना स्टडीज़ एंड बैडमिंटन को मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मुझे मज़ा आ रहा है जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जब मैं गेम्स खेल रहा हूँ, क्या मैं अभी भी इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ बैडमिंटन को लेके कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो गए, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कैसे खेलते हो बैडमिंटन, कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो, कितने ज़्यादा डिसिप्लिन हो बैडमिंटन को लेके एंड ऑल। तो आपको अपने एक्सपीरियंस जितना भी अभी तक गेन करो बैडमिंटन से रिलेटेड, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना। तो गाइस, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइना नेहवाल मैम स्टार्टेड बैडमिंटन एट द एज ऑफ 8, जब वो 13 साल की हुई तो उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना चालू कर दिया था और 15 साल में जीतना चालू कर दिया था। वहीं PV सिंधु मैम की बात करें, उन्होंने भी 8 साल की उम्र में चालू किया, 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल में एंट्री कर दी थी, माने खेलना चालू कर दिया था, और 16 साल के में वो जीतना चालू कर दी थी। एक और इमर्जिंग इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर है उन्नति उड़ा, उन्होंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 7, जब वो 14 साल की हुई तो उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना चालू कर दिया, साथ ही साथ जीतना भी। सो ओवरऑल मैंने बोलने का मतलब ये है कि अगर आप 6-8 साल अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनल खेल सकते हो और आप वहाँ
अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो जैसे ये एथलीट होने किया था। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ हो, ये तो मैंने टॉप एथलीट के बारे में बताया है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे भी प्लेयर होते हैं जो 6-8 साल 10 साल प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, इंजुरी होता है, ठीक है, साथ साथ फाइनेंशियली होता है, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हार्ड वर्क है एंड ऑल। तो गाइस वीडियो के कंक्लूजन में आ जाते हैं, तो अगर आप बैडमिंटन को 6-8-10 साल देते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, दिन में कम से कम 2 एंड कभी-कभार 3 सेशन कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन कोच एंड इंटेंसिटी ऑफ योर वर्क, साथ ही साथ आप अपनी डाइट मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हो, डेडिकेटेड हो बैडमिंटन को लेके, रेस्ट एंड रिकवरी पे फोकस है, पढ़ाई को मेंटेन कर रहे हो, फिजिकली फिट हो, इंजरी फ्री हो, तो आप डेफिनेटली बैडमिंटन में अच्छा कर सकते हो। क्या पता इंडिया के लिए खेलो और वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर पाओ। सो साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूँगा ये 2 वीडियो डेफिनेटली देखने के लिए, हाउ टू बिकम अ बैडमिंटन प्लेयर एंड 5 टिप्स फॉर यंग बैडमिंटन प्लेयर। ये दोनों वीडियो को भी डेफिनेटली देखिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा बैडमिंटन से रिलेटेड। साथ साथ इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस एज कैटेगरी में, और उनको काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्टी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं लेकिन उनको आंसर नहीं मिलता। तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है। एंड तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको कोई भी डाउट है बैडमिंटन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करें।